अपने विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले वरिष्ठ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर से चर्चा में बनने को तैयार हैं। दरअसल उन्होंने राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सुनवाई और संविधान के अंतर्गत सरकार की क्षमता की बात कही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाए, लेकिन सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत राष्ट्रीयकरण का ब्रह्मास्त्र है। उनके इस बयान से पता चलता है कि राम जन्मभूमि पर अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आता है तो मौजूदा सरकार को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हरी भूमि पर छपी खबर के अनुसार अनुच्छेद 301 के मुताबिक मुकदमा जीतने वाले को जमीन नहीं मुआवजा देने का अधिकार है। अयोध्या की कुल 67.703 एकड़ जमीन विवादित नहीं है। शीर्ष कोर्ट में यह केवल 0.313 एकड़ क्षेत्र ही विवादित है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में 6 अगस्त को हो रही सुनवाई का आज तीसरा दिन है। पहले और दूसरे दिन सर्वोच्च अदालत में निर्मोही अखाड़ा ने अपनी बात रखी और बुधवार शाम को रामलला के वकीलों ने दलील रखना शुरू की थी। मामले की सुनवाई के दौरान जजों ने वकीलों ने तीखे सवाल पूछे तो चर्चा का विषय रहे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के 2.77 एकड़ भूमि विवाद से संबंधित मामले में कुल 14 अपीलें दायर की गई हैं। ये सभी अपीलें 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच बराबर बांटने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मई 2011 को स्टे का ऑर्डर दिया था। मालूम हो कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मध्यस्थता का रास्ता अपनाने का आदेश दिया था, लेकिन इससे कुछ खास असर नहीं पड़ा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त से इस मसले पर रोजाना सुनवाई करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई के तहत सप्ताह में 3 वर्किंग डे सुनवाई होती है। राम मंदिर मसले की सुनवाई हफ्ते में मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को हो रही है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संवैधानिक पीठ कर रही है। इस पीठ में जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस ए नजीर भी शामिल हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के पास ब्रह्मास्त्र होने की बात कहने से पता चलता है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा, बीजेपी सरकार उस फैसले को बहुत हद तक प्रभावित करके किसी भी तरह अपने पाले में कर सकेगी। खैर, अब देखना यह होगा कि मौजूदा सरकार अयोध्या मसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संविधान के अनुच्छेद 301 का प्रयोग करेगी या नहीं, और अगर सरकार करती भी है तो वह इसके पीछे क्या तर्क देगी। देश भर में बहुजन समाज से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल दस्तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगभग सभी खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता है। वीडियो की संख्या अधिक होने के कारण नेशनल दस्तक की टीम को एक ही यूट्यूब चैनल पर दिखाना संभव नहीं है। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नया यूट्यूब चैनल नेशनल दस्तक 2 के नाम से शुरू किया है। वास्तव में यह चैनल नेशनल दस्तक की एक कड़ी है। उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें और बहुजन मीडिया को और भी मजबूत करेंगे। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।